तो वैश्य समाज के लोग हैं, बैंक में एक बार डिफॉल्टर हो जाए तो सिविल को ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो मैं भी इस उदयपुर के बैंक के सामने डिफॉल्टर होना नहीं चाहता, मैं लगाता जाऊँ। तो मेरे मन में आया था कि अगर के गुप्ता साहब ये कहने के बजाय कि लगाता जाऊँ लगवाता ही जाऊँ, तो एक बार में सब लोगों ने जोर से लगा दिया। अभी नार साहब ने खड़े होकर के कहा कि मंत्री महोदय बोलने वाले हैं तो बहुत दूर से आए, इसलिए हम थोड़ी देर शांति बनाए रखे। मैंने इनसे पूछा, मुझे तो कोई हल्ला गुल्ला मचा था और दिख भी नहीं रहा। होली के स्नेह मिलन को के कार्यक्रम को मैं जब के गुप्ता साहब का भाषण सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है या होली का स्नेह मिलन, फिर भी आपने शांति बनाए रखी। अच्छा भोजन बना हुआ होगा मुझे विश्वास है, और इतनी देर से प्लेटें आपके करीब है फिर भी आपने शांति बनाए रखी, मैं आपके धैर्य और धैर्य को प्रणाम करता हूँ। के गुप्ता जी के बारे में इनका परिचय कराया जा रहा था, तब इन परिचय कराने वाली बहन जी ने कहा, के गुप्ता साहब के लिए कहा गया कि बंजर जमीन में सोना उगा सकते हैं। के गुप्ता साहब वो शख्सियत है जो बिना जमीन के सोना उगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग इस बात को सोचते होंगे, शायद सोचने के लिए मजबूर होते होंगे कि भामाशाह कैसा होगा, जिनके देह दर्शन मात्र से भामाशाह कैसा होगा और भामाशाह कैसे बना होगा इस बात का विश्वास हो जाता है। ऐसे आदरणीय श्री शांतिलाल जी वेलावत, तुषान जी ने अपने जीवन का लक्ष्य जो है नर सेवा परमार्थ को पर सेवा को ऐसा बनाया। मैं प्रणाम करता हूँ जो अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं और जिनका धीरज जो है अभी भी बना हुआ है, और उन सबको भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने धीरज को बनाए रखते हुए आखिर में भोजन तक अपने आप को पहुँचा दिया। स्कूल के टीचर या कॉलेज के जो अध्यापक होते हैं उनका DNA 45 मिनट पर कन्फिगर हो जाता है कि वो एक बार माइक हाथ में बोलना शुरू करने के बाद 45 मिनट तक रुकते नहीं। लेकिन हम राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की समस्या ये है कि हमारे वहाँ 45 मिनट का बंधन भी नहीं, हम एक बार शुरू होने के बाद में रुकते नहीं है। के गुप्ता साहब ने इसका साक्षात्कार आपको करा दिया। नहीं, राजनीतिक मंच है और नहीं ऐसा अवसर है कि जिस पर मैं बहुत सारे लंबे चौड़े व्याख्यान आप सबके बीच में करूँ और ये कहूँ कि पिछले 8 वर्ष में जिस तरह से देश बदलाया, मुझे लगता है कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे और उस भारतीय जनता पार्टी को 2 लोगों की पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का जो सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने किया है तो वैश्य वर्ग ने किया। कोई नहीं होता तब भी गाँव में छोटा सा झंडा अगर किसी के घर पर लगता था तो वो वैश्य समाज के व्यक्ति के लिए करके लगता है। देश बदल रहा है, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है कि जिस रास्ते पर अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ चला है, निश्चित रूप से देश बदलने वाला है। अब कोई ताकत नहीं है हमारा देश बदल जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से हम सब के साथ मिलकर के संकल्प किया है कि 2047 तक हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। मेरे लिए बहुत चुनौती थी आज के कार्यक्रम में आना। सब वैश्य समाज के लोग हैं, बैंक में एक बार डिफॉल्टर हो जाए तो सिविल को ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो मैं भी इस उदयपुर के बैंक के सामने डिफॉल्टर होना नहीं चाहता, ताकि आने वाले समय में जब इस देश का इतिहास लिखा जाए तो कामना है कि हम में से बहुत सारे लोगों का नाम उस इतिहास के पन्नों में अंकित हो।